हेलो, अभी साउंड क्लियर है आप लोगों को? हाँ, हेलो रिंकी, आप क्यों लिंक क्यों नहीं रिंकी, आपके पास लिंक नहीं आया था क्या? हेलो दीपिका, हेलो हिना, अभी आवाज क्लियर है वॉइस? हेलो स्वाति, हेलो अमर, अब सही वॉइस आ रही है ना? आज भी सुबह से लैपटॉप चलता रहता है ना, उसको रिफ्रेश नहीं किया था तो इसलिए आजकल लैपटॉप को भी बहुत काम करना पड़ रहा है। हेलो बीनू, हेलो मधु, हेलो सुष्मिता, हेलो स्वाति। सो ओके, आज मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ कार्ल रोजर्स, मैक्स वर्थेइमर, कुर्ट कोफ्फा और टॉलमैन। ये चार थ्योरी आज मैं कराना चाहती हूँ। हेलो विनोद, तो अब आपकी चॉइस है, बताइए किसको आप पहले पढ़ना पसंद करेंगे? इंटरेस्टिंग टॉपिक के शुरू करें तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट बने। हेलो कोफा टॉलमैन, सब लोग जल्दी से लिख कर दो लाइन एज यू विश। टॉलमैन, हाँ अमर, इसमें दो तीन लोग हैं जिनको टॉलमैन से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं टॉलमैन ना हो गया खा जाएगा आपको। रोजर से लो नया। अच्छा चलो ठीक है, मैं डिसाइड करूंगी। इसमें सबसे पहले जिसने जो बोला होगा ना, यानी जो सबसे पहले बोला होगा उसी को लेते हैं, किसने क्या बोला है। विनोद जोशी ने बताया है टॉलमैन, ठीक है तो पहला वाला लेंगे अब, और अंतिम भी टॉलमैन है हमारे पास तो टॉलमैन ही ले लेते हैं। चल, टॉलमैन की एक और खासियत है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में ना इनको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, साइकोलॉजी में ये सब भी। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। थैंक यू विनोद। हेलो हरपल कौर, सो हेलो लक्ष्मी, गुड इवनिंग। सुवर्णा जी नहीं दिख रही है जिनको टॉलमैन पढ़ना था, फिर बाद में गई, समझ नहीं आया। नए टॉपिक से शुरू करें संजनी। टॉलमैन, टॉलमैन आपको क्लियर है?
अब टॉलमैन पढ़ लेते हैं ना, डिसाइड कर लिया टॉलमैन तो टॉलमैन ही पढ़ लो, बाकी तुम्हें बाकी इतना टफ नहीं है। देखो टॉलमैन टफ है, टॉलमैन टफ क्यों है कि उससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और हर साल एक या दो क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए हार्ड है। मैक्स वर्थेइमर और ये सब तो इतने आसान है कि इनमें कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा, ठीक है। बाकी तो ये सब बहुत आसान है, कार्ल रोजर्स बहुत आसान है, बाकी जितने भी है मैं आपको इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आऊंगी। आप गलत कहाँ करके आएंगे पता है आपको, आपको जहाँ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, आप स्किनर से गलत करके आओगे, आप पॉबलॉक का क्वेश्चन गलत करके आएंगे, आप टॉलमैन का क्वेश्चन गलत करके आएंगे, आप हल्का गलत करके आएंगे, आप मैक्स वर्थेइमर को गलत नहीं करके आएंगे, आप कार्ल रोजर्स को गलत कभी नहीं करोगे। हेलो सुवर्णा, चलो मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी कि तुमको टॉलमैन ज्यादा पढ़ना है ना, तो टॉलमैन से शुरू कर देते हैं। सो आई विल स्टार्ट क्लास विद टॉलमैन। थोड़ा सा इसको आगे कर ले, प्रिया हेलो ऑल ऑफ यू, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो टॉलमैन को पढ़ते हैं कि टॉलमैन ने जो कंसेप्ट दिया है वो किसका कंसेप्ट है। पहली बात तो ये है कि साइन लर्निंग, इनकी लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, साइन लर्निंग। कभी कभी ज्यादातर क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, साइन लर्निंग का जो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि साइन लर्निंग का प्रिंसिपल किसने दिया है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि साइन लर्निंग की जब बात हो तो कौन इसके पीछे है, इसके पीछे टॉलमैन है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी होंगी, चाहे आपने स्किनर पढ़ा हो चाहे आपने पॉबलॉक पढ़ा है, टॉलमैन की जो थ्योरी है वो सबसे अलग है। यानी कि इन्होंने ऐसी बात कही जो अभी तक किसी ने नहीं कही थी। वो आपको समझना है कि इन्होंने क्या बात कही थी। आपको ये समझना होगा कि जो आपके आपने दो थ्योरी लर्निंग में आपने बड़ी अच्छे से पढ़ी है, एक तो आपने थर्नडाइक को बड़े अच्छे से पढ़ा है जिन्होंने किसकी बात की थी कि ट्रायल एंड एरर, यानी कि हम कैसे सीखते हैं कि पहले कोशिश करते हैं फिर गलती करते हैं फिर सीख जाते हैं। तब आपके प्रॉब्लम आए और उन्होंने क्या बताया कि नहीं, हम कैसे सीखते हैं, एक स्टिमुलस होता है और स्टिमुलस के बाद क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। यानी कि पहले आपके सामने कोई खाना लाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या होगा कि जैसे ही चाय लाई जाएगी तो चाय को देख के आपके मन में पीने की इच्छा होने लगेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो वो बॉन्ड क्या होता है कि स्टिमुलस होता है, उससे रेस्पॉन्स आता है। तीसरे व्यक्ति, आप स्किनर खूब पढ़ चुके हैं, तो स्किनर ने क्या कहा है कि जो ये एस और आर का बॉन्ड है ना, इसमें जब तक रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार और दंड यानी कि पनिशमेंट नहीं होगा तब तक कोई नहीं सीख सकता है। तो स्किनर क्या कहते हैं कि सीखने के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट बहुत जरूरी है। पॉबलॉक कहते हैं एसआर बॉन्ड डेवलप होता है, और थर्नडाइक कहते हैं कि ट्रायल और एरर के द्वारा हम सीख जाते हैं। क्लियर, ये तीन लोगों की बात थी। इन्होंने कहा ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं वो किससे रिलेटेड है, व्यक्ति के व्यवहार से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये सारी चीजें हैं किससे रिलेटेड है, व्यक्ति के बिहेवियर से रिलेटेड है। लेकिन जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो मॉलिकुलर नहीं होता है, मॉलिकुलर का मतलब आणविक नहीं होता है, और कैसा होता है, एक मोलर होता है, अपने आप में क्या होता है, एक घटना होती है, ठीक है। एक आणविक कोई तत्व नहीं है, व्यवहार कोई एक तत्व नहीं है, अपने आप में एक घटना है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। और वो डेवलपमेंट कैसा होता है कि जो भी हमें इसकी चार इन्होंने क्वालिटी बताई है टॉलमैन ने, हेलो आसिफ, टॉलमैन ने चार क्वालिटी बताई है, वो चार क्वालिटी समझिए, चार क्वालिटी से क्वेश्चन भी आ चुका है। पहला उन्होंने बताया है कि गुड पर सीकिंग, यानी कि पर्पस होता क्या है कि हमारे सामने कुछ गोल होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हम हमेशा चलते रहते हैं, मतलब मोटिव हमको मिलता रहता है, ड्राइव, यानी कि जो इन व्यवहार को, ये जो हमारी ये गोल्स है इनको प्राप्त करने के लिए हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं किसके लिए, अपने गोल को पाने के लिए, वो बिहेव हमेशा कैसा होता है, पर्पसफुल होता है।
वो बिहेव हमारा कैसा होता है, हमेशा पर्पजफुल होता है, ठीक है, ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस पर्पजफुल बिहेव के पीछे किसका कारण होता है, गोल्स, यानी कि व्यक्ति का जो बिहेव होता है वो कहीं ना कहीं किससे आता है, उसके जो उसके जीवन के गोल्स होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है ना, हम जैसा भी व्यवहार करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वर्क से रिलेटेड होता है। तीसरी बात इन्होंने बताई जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, थर्ड बात कि हम जो व्यवहार करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्टिविटी होती है हमारे व्यवहार में। अरे रश्मि ये अभी ये तो बाद में पढ़ेंगे, लेटर्न लर्निंग, अभी पहले बेसिक बात तो समझिए ना कि टॉलमैन की बात हो रही है, बेसिक, मैं हमेशा बेसिक की बात करती हूँ, ये लेटेंट लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग ये तो आसान अभी बता देंगे। तो इन्होंने बताया कि हम पहली बात कि हमारा जो बिहेव होता है वो किसके कारण होता है, किसी पर्पज के लिए, और वो पर्पज किससे जुड़ा होता है, हमारे वर्क से जुड़ा होता है। और तीसरी बात इन्होंने बताई कि हम जिस पर्पज के लिए किसका यूज करते हैं, सिलेक्टिविटी का, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हम किसका यूज, यानी कि सिलेक्शन, हम क्या कर लेते हैं, चीजों का सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसी सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं दिमाग में। पूछा जाता है कि कॉग्निटिव मैप का थ्योरी किसने दिया था, अभी दिसंबर 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, कोर्ट लेवल से काफी मैच करता है इनका थ्योरी, अपोजिट है स्किनर के, अपोजिट है थॉर्नडाइक के, अपोजिट है हल के। ये बात ध्यान रखना कि टॉलमैन का थ्योरी किसके अपोजिट है, हल की थ्योरी, और थॉर्नडाइक की थ्योरी के जस्ट अपोजिट थ्योरी है अगर पूछा जाए तो। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दिसंबर 2018 में कि जो कॉग्निटिव मैप होता है वो किसकी थ्योरी में है, तो कॉग्निटिव मैप जो किसकी थ्योरी में, टॉलमैन की थ्योरी में है। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक नक्शे। जैसे मान लो मुझे मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए मैं एक रास्ता फॉलो करूंगी, दूसरे दिन जाऊंगी वही रास्ता फॉलो करूंगी, तीसरे दिन जाऊंगी, हेलो रश्मि, हेलो ऋषभ, तीसरे दिन जाऊंगी मंदिर, तो एक रास्ता मैं फॉलो करती हूँ तो उससे मेरे दिमाग में एक मैप बन जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति जो सिलेक्शन करता है उस सिलेक्शन के पीछे क्या चीज काम करती है, कॉग्निटिव मैप, या कॉग्निटिव मैप को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक नक्शे। तो जो ये नक्शे होते हैं इसका नाम क्या क्या है, इससे कई बार क्वेश्चन आया, तो ये थर्ड पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन ये आया कि कॉग्निटिव मैप क्या होता है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और क्या इससे क्या क्या क्वेश्चन बना था, इससे बताया कि साइन गेसोल्ट क्या है, साइन गेसोल्ट, तो साइन गेसोल्ट का मतलब क्या है, कॉग्निटिव मैप, और इसका नाम है दूसरा एक्सपेक्टरी थ्योरी, एक्सपेक्टरी थ्योरी, प्रत्याशा का सिद्धांत, चिन्ह गेसोल्ट या फिर प्रत्याशा का सिद्धांत, या संज्ञानात्मक नक्शे हिंदी में, इंग्लिश में साइन गेसोल्ट, एक्सपेक्टरी थ्योरी एंड कॉग्निटिव मैप। ये जो सारी बातें हैं ये किससे रिलेटेड है, टॉलमैन से रिलेटेड है, इनसे इनसे इससे चारों जो शब्द मैंने लिखे हैं चारों से लगातार क्वेश्चन आया है। तो इसलिए मैं रश्मिता आपको बता रही थी, रश्मि की आगे आगे ज्यादा मत, अभी पहले ना बेसिक बात समझिए, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आप लाख पढ़ते रहिए पर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्यों, आप बेसिक चीजें छोड़ देते हैं और बेसिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि टॉलमैन की बात है तो कॉग्निटिव मैप प्लस साइन गेसोल्ट प्लस एक्सपेक्टरी थ्योरी और प्लस सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल है, यानी कि संज्ञानात्मक नक्शे, चिन्ह गेसोल्ट और प्रत्याशा का सिद्धांत, क्लियर, ये इनकी बेसिक चार बातें हैं। अब ये होता क्या है कॉग्निटिव मैप या गेसोल्ट, साइन गेसोल्ट, तो इसको समझ लो कि जो हमारा व्यवहार वास्तव में होता है, यानी कि जो भी मेरा व्यवहार वास्तव में है उसके पीछे एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, मुझे अभी प्यास लगी है, एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे भी प्यास लगी है तो बॉटल को मैं उठाऊंगी, पानी पीऊंगी, ठीक है। तो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरा जो अभी व्यवहार है वो किससे रिलेटेड है, किसी उद्देश्य से रिलेटेड है, और ये उद्देश्य किसी पर्पज से जुड़ा हुआ था, तो इनका ये कहना है इसके लिए हम हमेशा कॉग्निटिव मैप बनाते हैं जिसको साइन गेसोल्ट कहा जाता है। तो इन तीन चार बातों को आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, अच्छा अब समझिए, अब इन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंस दिए हैं, टॉलमैन ने ये जो साइन गेसोल्ट है उसके लिए कुछ एविडेंस दिए हैं, है ना, तो वो उन्होंने क्या बताया उसको समझते हैं। तो पहला इन्होंने जो थ्योरी दी है, इन्होंने तीन तीन प्रकार की थ्योरी दी है,
कि जो साइन लर्निंग है ना, इन्होंने पूरी बात किसकी की है, साइन लर्निंग की। तो साइन लर्निंग को समझने के लिए इन्होंने तीन थ्योरी दी या तीन एक्सपेरिमेंट किए या तीन एग्जाम्पल दिया, आप कुछ भी समझ लीजिए। वो तीन क्या है जिनके बारे में आप रश्मि बात करी थी, तो उसमें पहला है प्लेस लर्निंग। ठीक है, दूसरा है इसमें, देखो यहां पे मैं बता दे रही हूं, एक है प्लेस लर्निंग, एक है रिवार्ड लर्निंग और एक है लेटेंट लर्निंग। प्लेस लर्निंग का मतलब है स्थान अधिगम, रिवार्ड लर्निंग का मतलब है पुरस्कार प्रत्याशा और लेटेंट लर्निंग का मतलब है अव्यक्त। तो पुरस्कार प्रत्याशा और प्लेस का मतलब है स्थान, यानी कि स्थान, पुरस्कार और अव्यक्त। तो इनको आप शॉर्ट में कैसे याद रख दो, PRL इज इक्वल टू टोलमैन। अब क्वेश्चन क्या बनता है, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं अभी तक के यूजीसी के नेट के एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन बने हैं कि वो ये कहता है कि जो टोलमैन ने बेसिक सिद्धांत दिया है, बेसिक प्रिंसिपल दिया है, उसमें तीन ही है, उसमें सिर्फ तीन है, बाकी जो जितने सिद्धांत है वो उसमें क्या किया है, इसने संशोधन किया है। हुआ क्या कि टोलमैन ने जितने भी प्रिंसिपल दिए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सारे में ना बदलाव करते रहे, हमेशा चेंज किया, कुछ ना कुछ बदल दिया, आगे पढ़ा तो फिर बदल दिया, आगे दिया तो फिर बदल दिया। तो इस तरह से ये मेन थ्योरी है। इसके बाद जो और है वो आपको अलग से याद रखनी है। लास्ट ऑप्शन रिपीट करिए प्लीज। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है अव्यक्त। अरे इतने से काम नहीं चलेगा, PRL से काम नहीं चलेगा, इनको समझना पड़ेगा, एक एक को समझाऊंगी। साइन लर्निंग से एक बार फिर बताइए, साइन लर्निंग का मतलब होता है कि जो हम व्यवहार करते हैं, वो जो हमारा वास्तविक व्यवहार होता है, जो मेरा रियल बिहेव है ना, उसके पीछे कोई पर्पज है। तो एग्जांपल क्या है कि मुझे प्यास लगी है तो मैं इस बोतल को उठाऊंगी और पानी पीऊंगी, तो ये जो मेरा बिहेव है वो किसके लिए था, एक पर्पज था कि पानी पीना, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बिहेव किया। तो हमेशा हम वो बिहेव करते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज होता है, दैट इज कॉल्ड साइन लर्निंग। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे, हर बार इसे ही समझना है। तो साइन लर्निंग को समझाने के लिए इन्होंने तीन चीजें बताई हैं, प्लेस लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग और लेटेंट लर्निंग, स्थान अधिगम, पुरस्कार अधिगम और अव्यक्त अधिगम। अब मैं समझाऊं एक एक करके, मैंने ट्रिक बता दी शॉर्ट में। अगर वो आपसे ये पूछे कि बेसिक प्रिंसिपल तीन क्या है, तो तीन कौन से हैं, PRL, ठीक है, PRL टोलमैन से रिलेटेड थे। इसके बाद जो आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि PRL होगा तो वो तो पहले वाले हैं, है ना, और बाकी अगर इसमें कोई और जुड़ेगा तो वो दूसरा होगा। तो इससे क्वेश्चन आता है बदल। अब इसको समझो कि प्लेस लर्निंग क्या होता है। प्लेस लर्निंग का मतलब है स्थान अधिगम, हिंदी में इसको स्थान अधिगम। इसके लिए इन्होंने क्या किया, समझ लीजिए अच्छे से, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि चूहे लिए, इनका सारा प्रयोग किसके ऊपर था, चूहों के ऊपर था। इन्होंने चूहे लिए, दो तरीके के चूहे लिए, मतलब दो ग्रुप बना लिए चूहों के। आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो तो दो ग्रुप बनाते हो, एक कंट्रोल्ड होता है और एक अनकंट्रोल्ड होता है, तो एक पे प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो इन्होंने ये ग्रुप बनाए चूहों के, इसके लिए इन्होंने क्या किया, समझना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पे इन्होंने खाना रख दिया, ठीक है, और प्लेस क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें स्थान का महत्वपूर्ण। तो ये था ए प्लेस और ये था बी प्लेस। तो चूहा जब यहां से चलता था और यहां जाता था तो उसको क्या मिलता था, खाना मिलता था। यहां से जब वो यहां जाता था तो उसको क्या मिलता था, खाना मिलता था, ठीक है। दूसरे चूहे पे इन्होंने क्या किया, कंट्रोल वाले पे, कि इन्होंने यहां खाना रखा, ठीक है, और यहां खाना रखा, यानी कि चूहा चाहे इधर से जाए उसको कहीं से भी जाए तो उसको क्या मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ कि जब चूहा चलना शुरू करेगा, यहां से जाए उसको सिर्फ एक रास्ता है, यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ उसके पास देखिए कितने सारे रास्ते हैं, ये रास्ता है, यानी कि तीन से चार रास्ते हैं चूहे के पीछे। तो जो हमारा
एक्स ग्रुप है इसको तो हम बोलते हैं स्थान अधिगम, यानी कि प्लेस लर्निंग, और दूसरा वाला जो इन्होंने ग्रुप बनाया इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स लर्निंग, अनुक्रिया अधिगम। अब समझिए कि क्या इसका पीछे। थैंक यू सो मच। ओके संदीप, थैंक यू सो मच। अभी समझिए प्लेस लर्निंग में क्या होता है। इन्होंने जब ये इसका एक्सपेरिमेंट निकाला तो उसमें ये पाया कि जो ये वाले चूहे थे ना, इन्होंने ज्यादा सीखा और इन्होंने कम सीखा। उसका कारण क्या था कि चूहा यहाँ से चला और उसको यहीं तक जाना है, वो बार बार एक ही रास्ता पकड़ रहा है, और उसको जैसे उसको इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसके दिमाग में नक्शा बन गया और उस नक्शे से वो यहाँ तक पहुंच गया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जब वो यहाँ जा रहा है कभी तो उसे इधर से जाना पड़ रहा है, कभी उसे इधर से जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ रहा है, बार बार रेस्पॉन्स करना पड़ रहा है, और यहाँ पे उसको एक नक्शा बना लिया है, मैप बना लिया है, उस मैप के अकॉर्डिंग वो चला जाता है। तो इन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पाया कि जो चूहे होते हैं तो वो प्लेस लर्निंग के अकॉर्डिंग ज्यादा सीखते हैं जबकि रेस्पॉन्स से कम सीखते हैं। तो हम किससे सीख रहे हैं यहाँ पे, कॉग्निटिव मैप से, यानी कि जो हमने दिमाग में नक्शा बनाया उसके द्वारा। हम इसको भूल भुलैया भी बोलते हैं। इन्होंने भूल भुलैया बना के चूहों को उसमें छोड़ दिया, ठीक है, और इनको ये दिया कि जब आप एक रास्ते से जाओगे तो आपको कम रास्ता चल के खाना मिल जाएगा। अच्छा, इसका उदाहरण समझिए, आप अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, मुंबई में रहता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक बार आप बार बार उसके यहाँ जाते हो और आपको पता है कि उसका कहीं भी रहता है, मान लीजिए मुंबई जरूरी नहीं है, तो अगर आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं आपको पता है कि उसका घर इस रास्ते से जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं और आपको पता है कि आप यहाँ से ये वाली सड़क से जाएंगे तो उसका घर आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपने दिमाग में एक नक्शा बना लेते हो। मान लीजिए दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली आनंद विहार पे उतरेंगे, आनंद विहार से आपको जाना है मान लीजिए मुखर्जी नगर, तो आप वहां से मेट्रो बदलोगे और धीरे धीरे आप चेंज करके डीटीवी नगर से कहाँ पहुंच जाएंगे, मुखर्जी नगर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो आपका ये रिश्तेदार है कभी तो यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, वो घर बदलता रहता है, तो आपको क्या होगा, उसका घर ढूंढने में दिक्कत होगी। तो आपको जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह से आप कम सीखोगे, और जो आपका पहले पता था कि सीधा सीधा यही रहता है तो उससे आप ज्यादा सीखोगे। तो इनका कहना है कि सीखने के लिए व्यक्ति को प्लेस की जरूरत होती है ना कि रेस्पॉन्स की जरूरत होती है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? लेकिन एक चीज बता दूं, ये बात किसने की है, टॉलमैन ने की, ये पूरी तरह से सही नहीं है। मैं अभी आपको टॉलमैन पढ़ा रही हूं तो आपको टॉलमैन की दृष्टि से समझना है, जनरल मत समझना, है ना, जनरल नहीं समझेंगे हम इसको। जनरल तो जरूर थोड़ी ना कि इनकी बात सही हो, गलत भी हो जाती है कई सारे केसेस में। कई सारे जो आगे साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इसको गलत सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति पहले से सीखता नहीं है, रेस्पॉन्स से सीखता है। तो हम सिर्फ किसकी वजह से सीखेंगे, हम समझ रहे हैं सिर्फ टॉलमैन की वजह से, ठीक है। तो आपने पहला समझा कि प्लेस लर्निंग क्या होती है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा समझिए, रिवार्ड लर्निंग, हिंदी में बोलते हैं इसको पुरस्कार लर्निंग, पुरस्कार अधिगम। आपको ये बात किसने बताई थी, स्किनर ने भी बताई थी कि स्किनर ने क्या कहा था कि अगर आपको किसी को ज्यादा रिवार्ड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है तो व्यक्ति जल्दी सीखता है, राइट। तो अभी हम क्या बताएंगे, अब इन्होंने इसके लिए क्या बताया कि पुरस्कार की प्रत्याशा हो जाती है, यानी कि रिवार्ड की आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है, रिवार्ड की आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है जिसकी वजह से आप जल्दी सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि शाम को 9 बजे जो जो बच्चा यहाँ पे क्लास लेगा उसको रिवार्ड के रूप में मान लीजिए मैं एक गिफ्ट सबको दूंगी क्लास खत्म हो जाने के बाद। ऐसा मैं रोज करती हूँ, कई दिनों तक ऐसा करने के बाद आपको आदत पड़ गई गिफ्ट लेने की। एक दिन जिस दिन मैंने आपको गिफ्ट नहीं दूंगी उस दिन आप नहीं सीखेंगे। हाँ, अमर रेस्पॉन्स लर्निंग को नहीं मानते हैं। आपको मैंने बताया ना ये किसके अगेंस्ट है, ये सबके अगेंस्ट है, ये हल्के अगेंस्ट है, थॉर्नडाइक के अगेंस्ट है। थॉर्नडाइक रेस्पॉन्स को मानते हैं ना, स्किनर रेस्पॉन्स को मानते हैं, ये नहीं मानते हैं।
अभी फिलहाल तक तो नहीं मानते, आगे पढ़ेंगे तो पता नहीं मानते हैं कि नहीं, बल फिलहाल देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अक्सर होता क्या है, थैंक यू आकाश, होता क्या है कि आपको अगर मैं रोज गिफ्ट देती हूँ क्लास के बाद, तो आपको हैबिट बन जाएगी, एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं मुझे गिफ्ट देंगी। ऐसा मैंने 10 दिन तक किया, 11वें दिन अगर मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया तो आपका क्लास में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो टॉलमैन क्या कहते हैं कि जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को समझिए, इन्होंने चूहों के दो ग्रुप बनाए, सेट ए जिसमें कई सारे चूहे हैं और सेट बी जिसमें कई सारे चूहे हैं। अब इसके लिए एक रास्ता बनाया जिसमें जाने पर इनको एक गिफ्ट मिलता था, गिफ्ट मतलब खाने के लिए फूड मिलता था, और इसमें जाने पे इनको फूड नहीं मिलता था, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि जिन बच्चों को फूड, जिन चूहों को फूड दिया गया, बच्चा नहीं, जिस चूहे को फूड दिया गया उसने जल्दी सीखा, और जिसको फूड नहीं दिया गया उसने नहीं सीखा। यानी कि अगर इन्होंने 11 दिन तक इसको फूड दिया और 12वें दिन इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से फूड गायब कर दिया, तो 13 डे क्या हुआ कि ये जो चूहा था ना, तो इसका जो बिहेवियर था वो बदल गया, यानी कि इसने कम लर्निंग की। तो इस तरह से इन्होंने ग्राफ से समझाया कि जब हम किसी को लगातार रिवार्ड देते हैं, तो रिवार्ड देने से क्या होता है कि जैसे आपने 11 दिन तक रिवार्ड दिया किसी को और 12वें दिन नहीं दिया, तो ग्राफ सीखने का कैसे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। फिर से जैसे ही आप उसको रिवार्ड देना शुरू करोगे, ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। तो रिवार्ड की वजह से ये जो ग्राफ होता है वो बढ़ता और घटता रहता है। सो लर्निंग में हमें किसका यूज करना चाहिए, रिवार्ड का यूज करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसे बोलते हैं हम पुरस्कार प्रत्याशा या फिर रिवार्ड लर्निंग। आपने देखा होगा कई सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए किंडरगार्टन में उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह रखते हैं, राइट। तो इसी का एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखिए, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अव्यक्त अधिगम। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे व्यवहार होते हैं, ठीक है, वो कुछ अंदर ही अंदर अलग तरीके से रहते हैं, यानी कि अंदर ही हमारे अंदर कुछ एक्सटर्नल बिहेव होता है और कुछ हमारा इंटरनल बिहेव होता है। तो जो ये एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेव होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस से रिलेटेड होता है, यानी कि साइन लर्निंग से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए इन्होंने एक वो किया, चूहों के ऊपर इन्होंने एक और प्रयोग किया जिसमें इन्होंने ये देखा कि इन्होंने एक भूल भुलैया बनाई, बनानी भी नहीं आ रही मुझे, ठीक है। इस भूल भुलैया में चूहा चलता है, ठीक है, इसमें जब जाने पर वो देखता है कि उसको जब फूड मिल रहा है तो वो ज्यादा सीख रहा है, और जब फूड नहीं मिल रहा है तो वो कम सीखता है। तो इस तरह का जो इन्होंने प्रयोग किया था, ये इन्होंने हाईजैंक के साथ मिलकर किया था कि चूहे वहीं घूमते हैं, वहीं ज्यादातर दौड़ लगाते हैं जब उनको पता होता है कि यहाँ पे फूड है। जब उनको ये पता होगा कि यहाँ पे फूड नहीं रखा है तो उनका जो बिहेव होगा वो जाएंगे ही नहीं, यानी कि बच्चा कब जाएगा सीखने के लिए, जब उसको पता है कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलने वाला है। और ये जो आपके अंदर अभी पिछला वाला हमने किया था ना रिवार्ड, जो रिवार्ड लेने की आपके अंदर आदत होती है वही आपका व्यवहार बनाती है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि कुछ चीजें आपके बिहेव में इंटरनल रूप से रहती हैं, जिसे हम अव्यक्त बोलते हैं, मानी व्यक्त नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। और वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। इसलिए हम इसके लिए सारी चीजों में सीखने के लिए एक इन्होंने नियम बनाया था जिसको बोलते हैं मीन्स एंड रेडीनेस, यानी कि हम हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी पर्पसफुल बिहेव को करने के लिए। इन तीनों को अगर मैं एक ही बार उसमें लाऊं, रिप्लेस रिवार्ड और लेटेंट को, तो इसका मतलब है कि इन सारी चीजों में जो साइन लर्निंग है, यानी कि हमको जो रिवार्ड मिल रहा है और उस जो हमारा लाइफ का पर्पस है, ये जो चूहा है और जो फूड है हमारा एक्सपेरिमेंट, ये इसमें है कि रैट और चूहा का जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया है ये तो एक जनरल है, लेकिन अगर आप हम अपनी टीचिंग में देखें तो, या हम अपने जनरल ह्यूमंस में देखें, तो होता क्या है कि हमारा जो ये हमारा क्या है, ये हमारा पर्पस है, ये हमारा ये गोल है। तो इस गोल को पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना व्यवहार बनाते हैं, और ये व्यवहार कई तरह के साइंस से जुड़ा होता है ना,
जो ये साइन होते हैं वो हमारे बिहेव में हमेशा जुड़े रहते हैं। इसके लिए हम कॉग्निटिव मैप बनाते हैं जिसके द्वारा हम सीखते हैं। तो अभी आपको टॉलमैन के तीनों प्रिंसिपल क्लियर हो गए। सभी को टॉलमैन अब क्लियर है? सुवर्णा, आपको जो ज्यादा टेंशन हो रही थी अब क्लियर है? दीपिका, आज के बाद जो अब आपको याद रखना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो उन्होंने बताया था कि जो टॉलमैन का पूरा ये हमारा सिस्टम था, जो भी हमने तीन तरह का सिस्टम पढ़ा है, तीन तरह के टाइप्स पढ़े हैं, अच्छा स्किनर जब पढ़ेंगे तब क्लियर करें इसको, क्योंकि आपको जब स्किनर पढ़ोगी ना तभी क्लियर हो पाएगा अच्छे से, है ना। अभी हमने टॉलमैन को आप अच्छे से समझ लीजिए, हम स्किनर भी आपको पढ़ाएंगे और हल को भी पढ़ाएंगे, तब हल में भी आपको ये ध्यान रखना है कि टॉलमैन ने भी वही बात कही है लेकिन अलग कैसे कही है। ठीक है, ठीक है संजनी, क्यों अभी मैं स्किनर पढ़ाऊंगी ना फिर मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में मैं अभी टॉलमैन में स्किनर नहीं लाना चाहती हूँ, है ना। तो अभी टॉलमैन वाला बहुत अच्छे से समझिए, हम स्किनर को डिस्कस करेंगे। अच्छा अब समझिए, जो भी आपने तीन सिस्टम पढ़े हैं ये तो इनके मेन बेसिक प्रिंसिपल है। इसके बाद इन्होंने आगे चल के आप लोगों के लिए थोड़ी समस्या बढ़ा दी और इन्होंने क्या किया कि अपने तीन नियमों को रिवाइज कर दिया, यानी कि रिविजन कर दिया, या कह सकते हैं कि संशोधन कर दिया, अपने नियमों में क्या कर दिया, संशोधन। उसका कारण है कि अभी जब आप पढ़ रहे थे ना तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं हर तरह से सही नहीं है, है ना, ये आप बिल्कुल सही थोड़ी ना है। तो इनको भी ये चीज फील हुई और इन्होंने क्या किया कि अपने जो छह नियम, तीन नियम थे उनको बदल के इनको छह बना दिया। ठीक है, अब छह वो कौन कौन से है ये अब आपके लिए समझना है आपको, यानी कि सिक्स रिवाइज्ड। पहला है इसमें कैथिक्स, कैथेक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको भाव विनिमेश। दूसरा है आपका इक्विवेलेंस बिलीफ, अगला क्षेत्र प्रत्याशाएं, फील्ड एक्सपेक्टेशंस, नेक्स्ट है आपका फील्ड कॉग्निशन मॉडल, फील्ड कॉग्निशन हिंदी में भी बता दूंगी मॉडल्स। नेक्स्ट है आपका ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। और अंतिम है आपका गति परक स्वरूप संबंधी नियम, मोटर पैटर्न। रिपीटेड, हाँ मैं भी सभी को रिपीट करती हूँ। कैथिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं भावाभिनिवेश। इक्विवेलेंस बिलीफ, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य विश्वास। फील्ड एक्सपेक्टेशन को बोलते हैं क्षेत्र प्रत्याशाएं। अगला है फील्ड कॉग्निशन मॉडल्स, इसको बोलते हैं आपका क्षेत्र संज्ञान प्रकारिता। अगला है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं अंतर्नोद विभेद। और ये है आपका गतिपरक अधिगम। अभी क्लियर है?
लेटेंट बता दीजिए मैम, सही से समझ नहीं आया। ठीक है बता देते हैं दोबारा, पहले इनको देखो लेटेंट का मतलब है, किसको पूछना है लेटेंट? श्रद्धा, लेटेंट का मतलब बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, कहती है सिक्योरिटीज बिलीव फील्ड। वेरी गुड संजनी, वेरी गुड, आपने लिख दिया है बहुत अच्छा, यहाँ सबको क्लियर हो जाएगा है ना। तो इसमें लेटेंट का मतलब होता है क्या नाम आपका श्रद्धा, कि आपका जो व्यवहार होता है ठीक है, वो व्यवहार में बहुत सारी चीजें कैसी होती हैं जो अंदर ही अंदर इनविजिबल होती हैं, गुप्त रूप से होती हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं है ना। और कुछ खास तरह की जो दशाएं होती हैं, कुछ खास स्पेशल जब कंडीशंस आती हैं तो वो वाला बिहेव आपके अंदर दिखने लगता है ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया, तीन तरह के एक्सपेरिमेंट किए, चूहों को तीन तरह डिफाइन किया उन्होंने, तीन ग्रुप बना दिए ठीक है। पहले वाले में जैसे पहले वाले में क्या किया कि पहले वाले में जो चूहा एक पथ से जाता है एक रास्ते से तो उसको रिवार्ड मिलता है, दूसरे वाले में जाता है तो उसको रिवार्ड नहीं मिलता है, तीसरे वाले में जब वो जाता है तो तीसरे मतलब कई दिन जाने के बाद उसको रिवार्ड मिलता है। तो इन्होंने ये देखा कि जिस वाले में रोज रिवार्ड मिलता है तो उसमें जो उनका बिहेव होता है वो अलग तरीके का होता है, जब दूसरे वाले ग्रुप में उनको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता है तो उनका बिहेव अलग हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका जो बिहेव होता है वो कभी एग्रेसिव अचानक से हो जाता है, तो उस चीज को आप दबाने के लिए, जैसे हमने डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ा था इवनिंग वाली क्लास में, तो ये उसी तरह से है लेटेंट लर्निंग, कि हम उस चीज को दबा देते हैं और वो दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा होता है और आप किसी पे उसका गुस्सा निकालते हो है ना, तो आपके व्यवहार में बहुत सारी चीजें कैसी होती है, गुप्त रूप से होती है, इनविजिबल होती है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट। अभी क्लियर हो गया? वीडियो क्लियर नहीं है, किसी का नहीं चल रहा है क्या? आज कुछ गड़बड़ कर रहा है इंटरनेट। ओके, अब देखो इससे जब क्वेश्चन बनता है तो वो जो तीन इसमें से कोई रख दिया जाता है इसके साथ और पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा है कि जो इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है ठीक है। तो अब ये याद रखना कि ये न्यू वाले हैं, ये ओल्ड वाले नियम है ठीक है। ओके 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 फाइन, अभी आपको सभी लोगों को टॉलमैन अब क्लियर हो गया है ना। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, ये जो छह मैंने बताए हैं ये भी आपको डिफाइन करने जरूरत है या फिर इस ओके? क्योंकि डिफाइन से क्वेश्चन नहीं आता है कि ये है क्या, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं वो भी बता दूंगी। तो ये बताओ मुझे, ये छह बताने हैं कि बस छोड़ दे इतना करा के दूसरा आप टॉपिक उठाए?
सेकंड स्वाति इक्विवेलेंस बिलीफ, इक्विवेलेंस बिलीफ का मतलब है स्वाति कि क्या होता है कि हम लोग हमको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी कंडीशन में हमको रिवार्ड मिलेगा और कौन सी कंडीशन में हमको पनिशमेंट मिलेगा, तो हम अपने इक्वल बिलीफ बना लेते हैं कि हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हर कोई सबको क्लियर है कि कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उससे रिलेटेड रिवार्ड शॉर्ट में बता दीजिए। रिवार्ड बताया तो था, रिवार्ड तो बहुत आसान है ना कि हर आदमी क्या करता है दिव्य ज्योति कि रिवार्ड के लिए जिस रास्ते से उसको रिवार्ड मिलता है उसमें जो उसका बिहेव होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, उसमें वो ज्यादा सीखता है। मान लीजिए मैं कहूँगी क्लास के बाद आपको गिफ्ट में ये मिलेगा, तो आपको रिवार्ड मिलना है, रिवार्ड मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा सीखोगे, और रिवार्ड नहीं मिलेगा तो आप कम सीखोगे। यानी उनका ये कहना है कि रिवार्ड से व्यक्ति के अंदर जो बिहेव होता है वो जल्दी सीखता है। ठीक है, अब ये मैं आपको स्किनर में क्लियर करूंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कैथिक्स का मींस होता है, मधु ये तो मैंने कब से बता रही हूँ, बार बार पूछा जाता है। कैथिक्स को हमने पढ़ा था, ये किससे क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है, कैथिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके जैसा है। तो ये जो सिद्धांत है ये कैथिक्स का वाला जो प्रिंसिपल है सिगमंड फ्राइड का प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2018 में कि टॉलमैन से रिलेटेड कौन सा है, मैंने ये सिगमंड फ्राइड पढ़ा तब आपको बताया अभी था, राइट। तो सिगमंड फ्राइड से मिलता जुलता है कैथिक्स। कैथिक्स का मतलब होता है कि होता क्या है कि हम किसी कभी कभी हम विशेष जो हमारे गोल्स होते हैं स्पेशल गोल्स बना लेते हैं, और उन स्पेशल गोल्स को हमारे अंदर इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि उनको पाने के लिए हम एक विशेष तरह का बिहेव करने लगते हैं, और जो विशेष तरह का क्लियर है ना जो एक विशेष तरह का बिहेव करते हो उससे कैथिक्स बन जाते हैं, भाव भिमनेश। यानी कि जो ये कैथिक्स बनते हैं उसमें एक को कुछ पॉजिटिव बनते हैं है ना, कुछ निगेटिव कैथिक्स बनते हैं। जब आपको कोई कष्ट होता है तो निगेटिव कैथिक्स बन जाता है, और जब आपको कोई अच्छी बात मिलती है तो पॉजिटिव होता है। तो हमारा कभी कभी जो बिहेव होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मोटर पैटर्न बता दी। अब तो धीरे धीरे सारे ही बता दे रही हूँ, तो कैथिक्स समझ आया अब आपको मधु। दूसरा मैंने इक्विडेंस बिलीफ बता ही दिया है, उसके बाद जो आप नहीं पूछ रहे हो वो आप नहीं पूछ रहे हो ये फील्ड एक्सपेक्टेशन वाला, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फील्ड एक्सपेक्टेशन वाले का रिलेशन है कि हम अपने जो भी हम अपने कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक कॉग्निशन एक मैप बनाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कॉग्निटिव मैप किससे रिलेटेड होता है, तो वो फील्ड एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने कौन सा पूछा है, कैथिक्स बता दिया है, मोटर पैटर्न। मोटर पैटर्न का मतलब है ऐसा हुआ था कि जब इन्होंने इतने सारे सिद्धांत दिए सुनीता तो सभी के बाद सबसे बाद में इन्होंने कौन सा दिया, मोटर वाला। तो जितने सारे लोग थे बहुत सारी आलोचना हुई, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो होता क्या आलोचना होती है आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो टॉलमैन को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। इतने सारे लोगों के क्रिटिसिज्म के बाद इनने सबसे एंड में कौन सा दिया, मोटर पैटर्न। मोटर पैटर्न में इन्होंने क्या बताया कि ये जितनी सारी चीजें थी ना जितने इनके क्रिटिसाइज हो रहे थे सभी को इसमें इन्होंने ले लिया, और इसमें ये बताया कि जो अधिगम होता है वो एक डायनामिक कंडीशन करता है। जैसे कि जो सेंसरी मोटर होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना बच्चे की जिसमें वो सेंसेस द्वारा सीखता है, इसी तरह से इन्होंने बताया कि सेंसरी मोटर द्वारा व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है ना, कि होता क्या है कि जैसे आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आप में डायनामिक पर्सनैलिटी आ जाती है, यानी कि आप लगातार चेंज होते रहते हो, तो उसमें सेंसरी मोटर यानी कि जो डायनामिक स्टेज तो इससे रिलेटेड है ये, है ना, जो आपने उस जीन प्याजे के में पढ़ा था उस पैटर्न से रिलेटेड है, यानी कि आपकी बॉडी का जो डायनेमिक पर्सनैलिटी होता है वो भी वर्क करता है। इन्होंने ये वाली जो चीज थी ना वो अपने में शामिल नहीं की, ये पूरी तरह से किसकी बात कर रहे थे, कॉग्निटिव मैप की बात कर रहे थे, लेटेंट लर्निंग की बात कर रहे थे, रिवार्ड लर्निंग की बात कर रहे थे, प्लेस लर्निंग की बात कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्तित्व के डायनेमिक पहलू को नहीं बता रहे थे। तो जब इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इनके ऊपर, लोगों ने बहुत सारा बताया कि आपका गलत है, तो सबसे एंड में इन्होंने व्यक्ति का डायनेमिक जो बिहेवियर जो आपका बिहेवियर होता है पर्सनैलिटी होता है उसका जो डायनेमिक पहलू होता है उसको भी शामिल कर लिया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया।
जैसे कि कोई आदमी मशीन चलाना सीखता है, सुनीता मशीन चलाता है तो उसकी पेशी है यानी कि जो उसकी मसल्स हैं, जो उसकी बॉडी है वो भी काम कर रही है, यानी कि सेंसरी मोटर ऑर्गन्स भी काम करते हैं, तो इसलिए वो सीखता है। तो सीखने में कहीं ना कहीं बॉडी के पार्ट्स का भी योगदान रहता है, बस ये इससे रिलेटेड है। अभी क्लियर है आपको सुनीता? दूसरा, मुझसे किसी ने अभी पूछा था कि ये कुर्ट लेविन जैसा है, तो ये बता दूं आपको कि टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो काफी कुछ कुर्ट लेविन के सिद्धांत से मिलता जुलता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कुर्ट लेविन के एज इट इज है, ये थोड़ा बहुत चेंज है। और गुथरी और सिगमंड फ्राइड से भी कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है। वीडियो आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है क्या? ये तो प्रिया हम इंक्लूसिव एजुकेशन में ही कराएंगे ना, अभी कैसे बता सकती हूँ इस वाली क्लास में, और मुझे पर्सनली फोन कर लेना, ठीक है? हेलो संजीता, प्रिया आप मुझे, प्रिया रावत आप मुझे फोन कर लेना, ठीक है? थैंक यू सुनीता, वी आर वेलकम। चलो अब अगला समझो। अगला मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी मैक्स वर्थेइमर, अलग मैंने इसको थोड़ा पढ़ा दिया है, फिर भी मैं थोड़ा और पढ़ा देती हूँ। अब आपने गैसोल्ट हेलो बहीरा, चलो अब मैं आपको मैक्स वर्थेइमर पढ़ाती हूँ, इनको थोड़ा समझ लीजिए। इन्होंने क्या बताया, मैक्स वर्थेइमर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? नया टॉपिक है आपके लिए, मैंने बहुत इस पर स्टडी किया है तब जाके थोड़ा बहुत मटेरियल मिला है, कहीं पे कोई मटेरियल ही नहीं है, ठीक है? तो पढ़िए, मैक्स वर्थेइमर ने क्या किया कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो इन्होंने जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनके बिहेव का अध्ययन किया। तो पहली बात इन्होंने कहा स्टडी की, जो स्कूल में बच्चे स्कूल जाते हैं उनका अध्ययन किया, ये खुद भी टीचर थे। इन्होंने बताया कि आजकल के जो टीचर है वो रोट लर्निंग पे ज्यादा काम करते हैं, किसपे बच्चों को रटाते हैं, है ना, और बच्चों को समझाते नहीं है। तो पहली बात इन्होंने टीचिंग के बारे में क्या बताई कि हमें रोट लर्निंग नहीं कराना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे बात करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने दूसरी विधि बताई जिसके उन्होंने कहा कि बच्चे को सिखाने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, इनसाइट लर्निंग का यूज करना चाहिए, यानी कि इनसाइट थ्योरी बतानी चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग में इन्होंने काफी सारी चीजें बताई, और बेसिकली मैक्स वर्थेइमर को प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए ही जाना जाता है, और इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि इनका बेसिकली काम किसमें है, इसका इनका काम है गैसोल्ट फिलोसफी में, और गैसोल्ट फिलोसफी में मैक्स वर्थेइमर के साथ साथ आपको कोहलर और कोफ्फक दोनों को पढ़ना है, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और उन्होंने बताया कि किसी भी समस्या में किसी भी समस्या का आपका समाधान करना है, किसी को जो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसमें आप दो चीजें काम करती हैं, एक तो आपकी क्रिएटिविटी और इनसाइट, और दूसरा आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस और आपकी क्रिएटिविटी मिलकर क्या करती है, आपको सिखाती है। तो इस तरह से इन्होंने गैसोल्ट की ओर बताया, और होल से पार्ट की तरफ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो इसको मैं एक बार आपको पूरा समझा दे रही हूँ।
मैक्स वर्थेइमर को समझ लीजिए। मैक्स वर्थेइमर, इन्होंने अपना स्टडी किस पे किया? स्कूल गोइंग चाइल्ड चिल्ड्रन के बिहेवियर को, ठीक है। इन्होंने कोई चूहों पे प्रयोग नहीं किया, किस पे किया है? स्कूल जाने वाले बच्चों पे अपना अध्ययन किया है। इन्होंने बताया है कि आजकल के जो टीचर्स हैं वो किस पे बात ज्यादा करते हैं? रोट लर्निंग पे, यानी कि बच्चों को पढ़ा रटाते ज्यादा है और समझाते कम है। मैं नहीं हूं उसमें, ठीक है, मैं समझाती हूँ। तो इन्होंने रोट लर्निंग की जगह किसकी बात की? इसकी जगह हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि सिखाने के लिए इनसाइट का यूज करना चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर आप किसको आंसू बेलने भी रोट लर्निंग को, हाँ कोई नहीं मानेगा ना। तो इन्होंने क्या बताया कि इनसाइट लर्निंग यानी कि सूझ के द्वारा अंतर्दृष्टि जो आपकी होती है, तो इनसाइट जैसे कोहलर ने जो बताया है कि हमको इनसाइट के द्वारा सीखना चाहिए, ठीक है। इनसाइट फुल लर्निंग की ये बात करते हैं। अच्छा, और इनके बारे में आपको क्या जानना है? इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रोडक्टिविटी थिंकिंग, प्रोडक्टिव थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस किताब की वजह से इनको बहुत सारी बहुत फेमस हुए, तो इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। प्रोडक्टिव थिंकिंग के राइटर कौन है ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि आगे इन्होंने बताया कि किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि हम जो हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें किसका यूज करते हैं? इनसाइट का यूज करते हैं, यानी जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी क्रिएटिविटी और इनसाइट को लगा के सीख लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे पास्ट जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी हम सीखते हैं। तो हमारे पुराने अनुभव और जो हमारी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और एक ग्रुप को उन्होंने क्रिएटिविटी द्वारा सिखाया और दूसरे ग्रुप को कैसे सिखाया? पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा। तो उन्होंने ये देखा जो लोगों ने ए कंडीशन का ज्यादा यूज किया, यानी जिन लोगों ने क्रिएटिविटी और इनसाइट का यूज किया है उन्होंने ज्यादा सीखा, और जिन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज किया था उन्होंने कम सीखा। तो इसका मतलब है कि टीचर को किस पे जोर देना चाहिए? टीचर को क्रिएटिविटी और इनसाइट लर्निंग पे ज्यादा सिखाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि इसके लिए गेस्टाल्ट लर्निंग का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने गेस्टाल्ट की बात की है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया है कि बच्चे को सिखाने के लिए जो मेथड होता है उसके व्यवहार को पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए हमें उसे संपूर्ण से अनस्क्यूड, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए? होल से पार्ट की ओर सिखाना चाहिए। जैसे पहले तो बच्चे को आप ये बताओ पहले आप बच्चे को ये क्या बताइए कि ये क्या है? एक ट्री है, यानी कि पहले आप बताइए होल, फिर आप बच्चे को बताओ कि ये क्या है? इसका स्टेम है, ये क्या है? इसकी लीव्स है। तो इस तरह से आपको पहले उसका होल पढ़ाना चाहिए, उसके बाद पार्ट्स के बारे में बताना चाहिए। तो ये इस स्टडी ये मेथड टीचिंग में या लर्निंग में या पर्सनैलिटी के लिए इन्होंने बताया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि हमें हमेशा जो टीचिंग में, देखो इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने बताया कि टीचिंग में हमें बहुत ही ज्यादा कंडीशंस कैसी रखनी चाहिए? फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है यहाँ पे? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे में जो भी आपके अगर किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए।
डिडक्टिव मेथड, हाँ डिडक्टिव मेथड। तो इन्होंने किसकी बात की है कि टीचर को एग्जांपल्स के साथ पढ़ाना चाहिए। पहली बात कंडीशन कैसी रखी है, चाइल्ड सेंटर्ड रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए। इसके साथ आप क्या करिए कि उसको एग्जांपल्स के साथ पढ़ाइए। जब आप एग्जांपल्स की, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो एग्जांपल्स के साथ पढ़ाओगे और एग्जांपल्स भी कैसे होने चाहिए जो उसकी एक्चुअल लाइफ से जुड़े हुए हों। तो इसके बाद और इन्होंने बताया कि इसके साथ साथ टीचिंग में क्या होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में आइडियाज का, ठीक है। अब इसके बाद अगला एक और इन्होंने सिद्धांत दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मधु, मधु आप यहाँ पे हैं? इसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मैक्स वर्थेइमर से। फाइव फिनोमिन का इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसको ऐसे भी लिखा आ जाता है कभी कभी, फाइव फिनोमिन। इसका हिंदी तो मुझे नहीं पता, घटना होता है वैसे तो, पर कैसे आएगा। यस मधु, तो आपने मुझे पूछा, मधु आपने उस दिन पूछा था ना कि फिनोमिन क्या होता है, तो फिनोमिन को मैंने उस दिन आपको बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ कि हम अपने व्यवहार को बार बार बदलते रहते हैं, और जो हमारा व्यवहार बार बार बदलता रहता है वो क्यों बदलता है कि उसके पीछे हम जो होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं। यानी आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा करना नहीं चाहते, आप उसकी जगह मुस्कुरा के किसी से मिलते हैं। जब किसी से आप सो रहे हो और आपके घर पे कोई आ जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आप क्या करोगे, मुस्कुरा के दिखाओगे। तो आदमी अपना व्यवहार बदलता रहता है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे ये देखो लाइट्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये लाइट जल रही है, ये बंद है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, इस तरह की लाइट्स लगी रहती है ना, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। अब इसमें ये जलती है, ये जलती है, ये जलती है, फिर ये वाली उस समय बंद रहती है, फिर उसके बाद ये जल जाती है। यानी कि एक सीरियल में क्या होता है कि एक जो ये वाली लाइट्स है वो पहले जलती है, ये वाली बाद में। तो एक एक जल रही है, एक बुझ रही है, एक जल रही है, बुझ रही है। तो जब इसको आप देखते हो तो आपको क्या लग रहा है कि सारी जल रही है, ऐसे ही लगता है ना। तो इसकी वजह से जो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट हो जाता है, इल्यूजन, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो ये भ्रम होता है उसकी वजह से, इल्यूजन की वजह से आपका जो बिहेव होता है वो एक्चुअली समझ नहीं आता है कि आप एक्चुअली में बिहेव कर रहे हो या नाटक करके दिखा रहे हो। तो इसके लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था जिसको क्या बोलते हैं, फाइव फिनोमिन। अब क्लियर है मधु आपको फाइव फिनोमिन? सबको क्लियर है? तो अब आपका मैक्स वर्थेइमर से किसी का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। अब सभी लोगों को मैक्स वर्थेइमर को लेके सारे डर निकल गए हैं। मैक्स वर्थेइमर के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? मैक्स वर्थेइमर का क्वेश्चन हो सकता है प्रोडक्टिविटी ऑफ थिंकिंग किसकी बुक है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ये कौन सी थ्योरी को मानते हैं, गेसॉल्ट थ्योरी को मानते हैं, तीसरी बात इन्होंने फाइव फिनोमिन का सिद्धांत दिया है और इसके बारे में क्या क्या बताया मैंने, इनसाइट लर्निंग की बात करते हैं, रोट लर्निंग की बात नहीं करते हैं, सीखने के लिए क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इसके साथ साथ ये होल से मतलब डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं या होल से आप अंश की तरफ ले जाने की बात करते हैं। इसके साथ साथ बस इतना सा अगर आपने कर लिया तो आपका मैक्स वर्थेइमर सही हो जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगता है वो यही बनेगा कि कॉलर, कोफा और वर्थेइमर तीनों ने मिलकर गेस्टाल्ट की फिलॉसफी पे काम किया था। ये तीनों ही जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक साथ काम किया था गेस्टाल्ट फिलॉसफी के लिए, जिसके लिए इनको जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसी तरह से बनेगा कुर्ट, कोफा और वर्थेइमर, और साथ में देख लेना आपको ऑप्शन में दिया होगा कुर्ट लेविन, इनमें से कौन सा गेस्टाल्ट फिलॉसफी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एक स्कूल के हैं ये तीनों लोग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला आप पढ़ेंगे कोफा, कुर्ट कोफ्का, ये भी जर्मन थे, ठीक है,
ये भी जर्मन थे, ये इनके साथ इन्होंने काम किया था वर्थेइमर के साथ। इनकी एक बुक थी, इन्होंने दो किताबें लिखी, एक तो लिखी है इन्होंने गुड वे द माइंड। कोफा की कोई किताबों का नाम बता सकता है? मैंने अपना ही राइटिंग नहीं कभी कभी पढ़ पाती हूँ। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, ग्रोथ ऑफ द माइंड। इनकी किताब का नाम है ग्रोथ ऑफ द माइंड। एक किताब इनकी ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, दूसरी किताब इनकी आपको ध्यान रखनी है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दो किताबों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कोफा से, ठीक है। इसके साथ ही आपको और क्या इनसे ध्यान रखना है, और इन्होंने बताया था कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमेशा जो रूल किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम जो नए नियम बनाते हैं, होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आई, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, न्यू सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जो ये न्यू सॉल्यूशन होता है ये हर जगह लागू हो जाता है, यानी कि ये जनरल होता है। इन जनरल वे में इस सॉल्यूशन के द्वारा हम बाकी भी चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो ये जो सॉल्यूशन बनता है जो हम कठिन परिस्थितियों में, यानी कि वो क्या बताते हैं, कॉलर ने क्या बताया था कि जब भी हमारे सामने कुछ समस्या आती है तो हम उसके लिए तुरंत हमारे दिमाग में समाधान आ जाता है, उसी बात को उन्होंने दूसरे तरीके से कह दिया कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए हम नए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और जो नए सॉल्यूशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ढूंढे जाते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ढूंढे जाते हैं वो जनरल भी होते हैं, यानी कि जनरल तरीके के ये सॉल्यूशन होते हैं जो हर तरह की कंडीशन में लग जाते हैं। तो ये बात की थी कोफा ने। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि किसी भी चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने 5 तरह के प्रिंसिपल दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखते हैं कि वो 5 प्रिंसिपल क्या क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पहली थ्योरी उन्होंने बताई है लॉ ऑफ प्रेगनेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सार गर्भिता का नियम। दूसरा इन्होंने बताया लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी यानी कि समानता का नियम। अगला इन्होंने बताया लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता का नियम। अगला इन्होंने बताया लॉ ऑफ क्लोजर्स, और अगला इन्होंने बताया लॉ ऑफ गुड कंडीशन, यानी कि पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ गुड कंडीशन। अच्छे सतत व्यवहार का नियम, सातत्व का नियम।
अब इससे यही क्वेश्चन बन सकता है, सेकंड रिपीट कर दीजिए, सेकंड है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। दिख रहा है? अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आपको ये सारे नियम, मैम एक बार फिर बता दो, पहला है लॉ ऑफ प्रेगनेंस, सारगर्भिता का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम, अगला है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का नियम, अगला है लॉ ऑफ क्लोजर्स, स्फूर्ति का नियम, और अंतिम है लॉ ऑफ गुड कंडीशंस, यानी कि सातत्व का नियम। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको ये सबका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए या बस इसको याद ऐसे ही याद रखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ प्रेगनेंस, प्रेगनेंस का मतलब है दिव्य ज्योति कि हम क्या करते हैं ना, हर जो कोई कंडीशन होती है हमारे सामने, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। संतुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो जो बैलेंस हम कर लेते हैं उस बैलेंस से जो गैसोल्ट बनता है, जो कॉग्निशन बनता है, गैसोल्ट का मतलब क्या है, कॉग्निटिव। तो जो आप कॉग्निटिव आपका बिहेव होता है वो कैसा हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। तो बैलेंस्ड वाले को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो चाहो तो बैलेंस, इसका मतलब क्या है, बैलेंस, शॉर्ट में ही बता दीजिए। अच्छा, तो पहला समझ में आया कि क्या बात करता है, बैलेंस की बात करता है। चलो फिर मैं बताती हूँ, पहला है हमारे पास प्रेगनेंस। प्रेगनेंस का मतलब है यहाँ पे कि हम जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या में हम क्या करते हैं कि हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो हमारी मनोवैज्ञानिक दशा होती है, उस दशा में कुछ डिफरेंट तरह के उस कंडीशन में, मैं सभी को समझाती हूँ सुनीता, कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो कंडीशंस होती है, हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, हमारी जो मनोवैज्ञानिक दशा होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैसोल्ट बनते हैं। गैसोल्ट का मतलब पता है ना, कॉग्निटिव। अब जो आपके अच्छे 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 या बुरे गैसोल्ट बनते हैं उसमें क्या होता है कि बैलेंस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, यानी कि इसको बैलेंस कह सकते हैं। प्रेगनेंस का मतलब क्या है, बैलेंस या संतुलन। आप संतुलन बना लेते हो दो परिस्थितियों के बीच में, आप क्या बनाते हैं, तो संतुलन बना लेते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा है आपका सिमिलरिटी का लॉ। सिमिलरिटी का मतलब है समानता। समानता का मतलब क्या होता है, समझाती हूँ मैं इसको, एग्जाम्पल देके समझ पाओगे। चलो चार से ही समझ जाओगे। अब मुझे ये बताइए, आप सभी लोगों को ये दिख रहा है बोर्ड पे, यस? तो जब आपको ये दिखता है ना, तो आपकी ये आदत होती है कि आपको एक पहली बार जब आपकी नजर जाएगी ना, तो आप एक साथ तो बिंदुओं को देख रहे हैं और जो क्रॉस लगे हुए हैं इनको एक साथ देख रहे हैं, यानी कि आपकी जो नजर है वो दो जगह पड़ रही है। यानी कि एक बार में आपको क्रॉस समझ में आ रहे हैं और दूसरी बात में आपको क्या दिख रहा है, यानी कि हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उस देखने में हम सिमिलरिटी पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दो तरह की
स्पेलिंग लिखी होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल लिखा हुआ है और प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो दोनों में आपको एक जैसा दिखेगा। तो सिमिलरिटी में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो हम समान तत्वों को, यानी कि जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं उनको हम एक साथ देखते हैं, और जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट होते हैं उन अलग अलग तरह से देखते हैं। दैट इज कॉल्ड सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। सुनीता अभी बताते हैं इनको। अगला है निकटता का नियम, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी के लिए समझ लीजिए, जब आप इस मैम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अभी बताते हैं इसको, बहुत आसान है। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, जब आप इसको देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो कि आपको ये लाइंस नहीं दिख रही हैं, आपने क्या बना लिया है, आपको ये लग रहा है कि ये वर्ग है। तो प्रॉक्सिमिटी के आधार पे, यानी कि अगर कोई चीज किसी चीज के पास रखी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या बना लेते हैं, प्रॉक्सिमेशन बना लेते हैं, यानी कि वो हमको कैसी दिखने लगती है, समान दिखती है। तो इसको प्रॉक्सिमिटी, यानी कि आप किसी चीज का अंदाजा किसके आधार पर लगा रहे हो कि कौन सी किसके ज्यादा पास है, ठीक है। इसलिए सपना सॉरी, अच्छा दीपिका, प्रॉक्सिमिटी का जो आपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि हम जो चीजें सीखते हैं ना वो अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। जैसे आपको खाना बनाना सीखना है तो सबसे पहले आप अपनी मदर के पास जाओगी, मदर से नहीं सीखोगी तो फिर आप इंटरनेट का सहारा लोगी, फ्रेंड का सहारा लोगी, घर में किसी बड़े का सहारा लोगी। तो इस तरह से जो आपका जोन बन जाता है प्रॉक्सिमस जो डेवलपमेंट का, वो कहाँ से आता है, आपके जो नियरेस्ट लोग होते हैं वहां से। अच्छा ओके सपना, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगला चौथा नंबर है, इसको बाद में जरूर वीडियो को देख लें, लॉ ऑफ क्लोजर्स। तो लॉ ऑफ क्लोजर्स में कोफा ने बताया कि हम जब किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो जब तक कोई क्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हम क्या करते रहते हैं, उसी स्थिति में रहते हैं। जैसे मान लो आप शाम को सोए थे 9 बजे और आपको उठना पड़ गया 12 बजे, ठीक है, तो जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपको अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसी कंडीशन में बने रहते हो, क्लोजरनेस में। तो जब तक आपका एक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है या आप जो आपने सोचा था वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उसी कंडीशन में बने रहते हैं, तो लॉ ऑफ क्लोजरनेस बोलते हैं। अगला इन्होंने बताया था कि गुड कंडीशन का लॉ, अच्छे सातत्व का नियम, है ना। इसको इन्होंने कैसे बताया था, ये वाला मैं बता रही, फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। गुड कंडीशंस, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक सर्किल है, ये के लिखा है, ये एल लिखा है और ये ओ लिखा है, ठीक है। अब आप जब इसको देखेंगे, अब जब आप इसको देखोगे, एक मिनट, अभी ठीक दिख रहा है, तो जब आप इसको देखेंगे इस डायग्राम को, तो आपको ना तो ये एक आपको सीधी लाइन दिख रही है, एक ही आपको सीधा गोला दिख रहा है, एक आपको ये दिख रहा है कि आप इसमें ये नहीं देख रहे हो कि ये किससे बना हुआ है, ये डॉट से बना हुआ है, यानी कि ये छोटी छोटी डॉट्स हैं, आप पूरा होल देखते हो। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसको कैसे देखते हैं, गुड कंडीशन में। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल देती हूं,
कोई फिगर है, इससे आपको क्या दिखा? एक अच्छी कंडीशन में नहीं दिख रहा। अब इस फिगर को थोड़ा बदलते हैं। वैसे मैं साइकिल बनाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है भैया, ये साइकिल है, ठीक है, अभी मुझे बनानी नहीं आ रही। तो अब क्या हुआ, जब आपने इस फिगर को यहाँ पे देखा तो इसकी कंडीशन गुड नहीं थी, और जब आपने इसको यहाँ देखा तो इसकी कंडीशन कैसी है? बैल है, यानी कि एक सेव्ड कंडीशन में है। तो जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, तो जब हम उसको ये वाला पोर्शन देख रहे होते हैं ना, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि जब हम किसी चीज को देखें तो उसके अंश को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अंश को ना देख के व्यक्ति किस पे बात करता है? होल पे बात करता है। तो जब आप ट्री देख रहे होते हो ना कोई, तो ट्री देखने में आप ये भूल जाते हो कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, तो होल की तरफ व्यक्ति ज्यादा देखता है। तो ये सारे सिद्धांत दिए थे सीखने के लिए पर्सनैलिटी में, किसने दिए थे? कुर्ट कोफा ने दिए थे। ये पूरी तरह से लर्निंग का थ्योरी है, ये पूरी तरह से लर्निंग का थ्योरी है। पता नहीं है कि आपकी इसमें क्यों रख दिया गया है। अगला पढ़ाई दे रही हूं, खत्म करते हैं। कार्ल रोजर्स को भी पढ़ा दें या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं? आप लोग चला प्लीज मुझे अपना एडवाइस दे दीजिए कि आपको कार्ल रोजर्स अभी पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ना है तो वैसे ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है। नहीं बड़ा है, कार्ल रोजर्स में काफी कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट में है ना, ज्यादा हो गया वैसे भी, 1 घंटा 18 मिनट हो गए, काफी कुछ है कार्ल रोजर्स में ना। कार्ल रोजर्स की जब बात करेंगे तो कार्ल रोजर्स 2 जगह दिया हुआ है आपकी सिलेबस में, एक दिया है पार्ट ए में और एक दिया है पार्ट डी में, राइट? 2 जगह दिए हैं कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर्स को जब हम पढ़ेंगे दोनों मिला के पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरे पास नोट्स प्रिपेयर है, कल शाम वाली क्लास में मैं कार्ल रोजर्स पढ़ा दूंगी, स्किनर और पावलोव भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज आपके वैसे काफी सारे डाउट क्लियर हो गए हैं कार्ल रोजर्स को छोड़ के। और कार्ल रोजर्स के लिए एक चीज मैं कहूंगी, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी प्लेलिस्ट में जाना और यूनिट नंबर 3 खोलना प्लेलिस्ट में जाके, और उसमें कार्ल रोजर्स जो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, नहीं मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैंने जो कार्ल रोजर्स थोड़ा सा पढ़ाया है काउंसलिंग वाला, उसको जरूर देख लेना एक बार सारे लोग, है ना। तो उससे थोड़ा कल जब पढ़ेंगे ना तो आसानी रहेगी। ध्यान रखना जो उसमें आपको पढ़ना है काउंसलिंग वाला पार्ट है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब आपको पढ़ना है पर्सनैलिटी में, दोनों बातें अलग हैं, है ना, तो दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना है। तो वो आप देख लेना, तो उससे आपका पर्सनैलिटी को लेके क्लियर हो जाएगा, वो काउंसलिंग वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। बाकी भी थोड़ा सा बचेगा, उसको कल इवनिंग वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हाँ मेरी वीडियो है, लेकिन वो किसके लिए है? पार्ट डी काउंसलिंग वाले के लिए है, REVT वाला है उसमें, है ना, ना कि ये पर्सनैलिटी वाला नहीं है। तो पर्सनैलिटी वाला हम कल शाम की क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ काउंसलिंग वाला पढ़ाया है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सेकेंड बुक का नाम है, एक किताब का नाम था उनका, गैसोल्ट वाली किताब थी, एक सेकेंड में बता देती हूँ। कार्ल रोजर्स तो आपको कल पढ़ना है। एक किताब थी उनकी ग्रोथ ऑफ द माइंड,
फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग पढ़ा दिया है मधु मैंने, फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग पढ़ा चुकी हूँ, बहुत आसान है फ्रीजिंग एंड डिफ्रेंट। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये समर एक है उनकी द ग्रोथ ऑफ द माइंड और दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनकी किताबें जरूर देख लेना है ना, मिलाने के लिए आ सकती हूँ। मधु आप मेरे उसमें प्ले लिस्ट में जाके फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग वाला देख लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं इवनिंग की क्लास में। इवनिंग की क्लास में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पावलोव और स्किनर को आप जर्नल पढ़ लेना है ना, जो आपके पास मटेरियल है उससे। उसके बाद मैं ये चेक करूंगी कि आपका जो नॉलेज है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं उनको बताऊंगी। दूसरी बात है यूनिट वन कंप्लीट है मैम। अच्छा ठीक है, देखेंगे जब कोर्ट 11 पढ़ेंगे मधु तब देखेंगे, अभी तो मुझे याद नहीं है क्या क्या। दीपिका यूनिट वन कंप्लीट है, यूनिट वन नहीं कंप्लीट है, यूनिट वन इतना आसान है वो आप कहीं से भी कर सकते हो, है ना, उसका भरमार है मटेरियल का। उसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपको नए वाले जो टॉपिक है जो सोशियोलॉजी की थ्योरी थी उसमें प्रॉब्लम आएगी, और जो चार पांच पांच नए थिंकर, पांच नए थिंकर ऐड हुए हैं उसमें दिक्कत आएगी दीपिका। तो मेरा बेसिकली क्या था कि पांच थिंकर मैंने पढ़ाए हैं यूनिट वन में और सोशियोलॉजी की थ्योरी पढ़ाई है, बाकी को तो आप कहीं से भी पढ़ लो, है ना। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज है, इतना सारा मटेरियल है ऑलरेडी, हम अपना टाइम वहां लगाएंगे जो कहीं मिल नहीं रहा है ना, उस पे फोकस कर रही हूँ। चलो ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास, हेलो गायत्री, आप लोगों के पास मेरा नंबर रहता है, आप लोग फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हो वो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ग्रुप में जुड़ना हो तो मैसेज कर देना। और जिन लोगों ने क्लास बाद में ज्वाइन की है वो प्लीज इसको पूरा देख लेना, ठीक है। और अगर किसी का और कोई डाउट है तो वो मुझे पर्सनली पूछ लेना। कल का टाइम 5 PM, अगेन मिलेंगे 5 PM पर। थैंक यू गायत्री, थैंक यू। प्लीज पूरा वीडियो, जो लोग बाद में ज्वाइन किए पूरा वीडियो जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके डियर, ओके डियर, ऑल ऑफ यू गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। चलो ओके, टेक केयर।